सीहोर जिले के बुधनी नर्मदा ब्रिज से एक युवक ने दो बच्चों के साथ नर्मदा में छलांग लगाई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। स्थानीय मछुआरों की मदद से युवक को बचाया गया। जानकारी के अनुसार युवक सुहागपुर के डुंगरिया गांव का रहने वाला है। उसके साथ 4 साल का लड़का और एक लड़की थे, जिन्हें गोद में लेकर नर्मदा में कूद गया। मौके पर एक ऑटो चालक ने उन्हें कूदते देख पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर SDM, SDOP, तहसीलदार व TI अपनी टीम के साथ पहुंचे, जहां तलाश करने पर वह मिल गया, लेकिन दोनों बच्चों की तलाश की जा रही है। नर्मदापुरम से आ रहा था, बुधनी की तरफ जा रहा था अपने घर की तरफ, और मैंने देखा कि दो बच्चे एक आदमी के हाथ में है और वो इस पिलर के इस साइड खड़े थे। जब तक हमारा ऑटो उसके पास पहुँचा वो कूद गए, और हमने उसको नीचे देखा और नहीं मिला, तो हमने तुरंत 100 का कॉल किया। 100 टाइम से आई और वो अभी बच्चे को ढूंढ रही है। तो कितने बड़े बड़े बच्चे थे उसमें? वो होंगे 6 साल से कम के होंगे, 6-7 साल की, ज़्यादा उम्र के नहीं थे, छोटे छोटे बच्चे।